तो गाइस हमने न्यू शूज ले लिए और ये हमें पड़ गए। सारी केटीएम एयरलाइन को सुला दिया इधर, बहुत दिन से सोई नहीं क्या रे। विश यू डीआर। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग की शुरुआत है सायन के आगे से और आज हम जा रहे हैं अपना शूज लेने के लिए और अपनी बाइक जो स्टॉक बनानी है तो उसको भी थोड़ा पूछ लेंगे। इधर निकले और काफ़ी दिन हो जा रहे व्लॉग नहीं बना पा रहा। मैं इधर आया था, हैदराबाद से आया था, तब से तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो रही थी, मतलब हुई पड़ी थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर रहा था। अभी है फाइन, तो सोचा कि आज जा रहा हूँ शूज लेने तो बना लेते भाई व्लॉग, है कि नहीं। आज इसलिए शूज लेने क्यों जाना पड़ रहा है हमें, बिकॉज हमारा जो शूज़ है मैंने टेम्प्रेरी लिए थे, ऐसे 800 या 700 के ऐसे कुछ परचेस किए थे मैंने, बट वो जो है अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं चलने वाले, बिकॉज वो जो है ना वो बहुत लो लेवल के शूज़ है, तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा मीडियम लेवल के ले लेते हैं कि नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए बहुत सेफ्टी चाहिए यार, मतलब उतना तो नहीं बट शूज़ अच्छे रहे तो थोड़ा क्रैशेज वगैरह होने के चांसेस रहते, तो शूज़ की वजह से अपने पैर वगैरह जो है। गाइस यार पता नहीं अपना गोप्रो जो है क्यों अपने आप जो ऑफ हो जा रहा है बार बार, ये क्यों सीन हो रहा भाई। एक तो पहले से ही बहुत लगे पड़े, यहाँ वहाँ बहुत खर्चा हो रहा गाइस, मेरे बाइक में हद से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, सर्विस की 6000 जैसे, देन चेंज पॉकेट 10-12 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो गए, और आगे की जो है वो चेंज करनी है अपने को, क्या बोलते हैं बेरिंग, यहाँ जो बेरिंग आती वो वाला चेंज करना है, बिकॉज शायद बिजली की वजह से या क्या चीज़ की वजह से वो डैमेज हो गया पता नहीं, हाँ बिजली की वजह से, क्योंकि बहुत ज़ोर से बाइक जो है नीचे आती। और ये रहा जो जो अकेला है, क्या भी आज क्या भी अकेला है। गाइस यहाँ अपने बाइक वॉश कर रहे थे तो वॉश तो हो चुकी है, अब जाके लग रही भाई थोड़ी बाइक अच्छी है, नहीं तो पूरा इधर उधर पूरा क्या कुछ कचरा जैसा दर्द रहा था, बट वॉश करते ही कुछ लाजवाब भी लुक आ रहा है इसका। देन विकू भी आ चुका है, विकू की बाइक ये रही और इजू की बाइक है, ये इजू रखने जा रहा घर पे, बोल रहा कि विशो तेरे पिलियन में मैं आ जाऊँगा, मैं बोलूँ ठीक है चलो। देन यहाँ से चलते शूज़ लेने चलते और कुछ सीन नहीं, चलो। सो गाइस अभी निकले हम वराछा के लिए, बट विकू ने भी शॉप नहीं देखा है और मैंने भी नहीं देखा है, अब वहाँ जाके हमें सर्च करना पड़ेगा या तो किसी फ्रेंड को पूछ लेंगे हम, मतलब थोड़ा अच्छे में के शूज लेने वाले तो वो वाले कहाँ मिलेंगे ऐसा आपको बताते हैं, ठीक है अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। और तो कुछ नहीं, मेरे पिलियल में जो इजू है और इजू विली मार रहा हूँ मैं, क्या इजू मैं पूरा पीछे घुमा के दिखा रहा हूँ, कुछ तो आवाज़ आया ऐसे अजीब सा, ओ भाई मेरा टायर मस्त दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों, ये टायर उतना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। तो गाइस हमने न्यू शूज ले लिए और यहाँ से पिक करवा लिए और आपको घर पे जाके दिखा दूंगा, ये हमने ट्रिप के लिए लिए, देन बहुत दिनों बाद जो नीलिया साथ में आया और चलते अभी, हम तो भाई ऐसे ही चल के आ गए थे, ना तो फ्रेश हुए ना कुछ, बहुत सारे शूज़ है अवेलेबल बट अपने बजट में यही थे और ये हमें पड़ गए 6000 के, बजट थोड़ा सा ऊपर था बट वो तो फेक साइट से शायद देखा था मैंने उसे, तो मुझे उतना पता नहीं। देन यहाँ से निकलते अभी, ठीक है। 2000 years later. गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, क्या नाम है रे, दांडी, दांडी पहुँच चुके हैं, देन फोटोशूट वगैरह कर रहे थे तो हमने जो है सारी केटीएम एयरलाइन को सुला दिया इधर, बहुत दिन से सोई नहीं क्या रे, इसलिए सुला दिया। देन ये अपनी पलटन है, इतने सारे बंदे आज आया और चेक करो, देन ये अपनी बाइक है और भाई इसका क्लच तो कुछ लाजवाब ही,
बहुत लाजवाब भाई, इसका क्लच ही पकड़ने में नहीं आता। चार उंगलियों से नहीं पकड़े तो एक उंगली से क्या विली मार पाएंगे भाई। ये चेक करो KTM एयरलाइन। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं डांडी से आगे, मतलब बहुत आगे, ऐसे घूमने के लिए आ गए थे। अभी यहाँ से कहाँ चले गए वो तो पता नहीं ब्रो, कहाँ गए वो लोग। अबे यार शिट, मैंने तो रास्ता ही नहीं देखा है, आई थिंक इधर ही होना चाहिए। अरे यार मैंने तो एंगल चेक ही नहीं किया था और मेरा GoPro डाउन हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, देखे 1% चार्ज बचा है, अभी इसमें क्या ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं। पहले बैटरी भी नहीं लेके आया हूँ, आज हम ऐसे रील बनाने आए थे प्रैक्टिस करने, बट सोचा कि थोड़ा बहुत वो वाला ब्लॉग जो मेरा अधूरा था तो ये वाला मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा करके मैंने कर लिया था। और ये व्यू चेक करो यार। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।